episode. I will have some more to show you. So guys, so yeah, आज का टॉपिक है केमिस्ट्री टू लेटर की जो ओपन नहीं होता उसको ओपन कैसे करना है. सो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो से नोटिफिकेशन मिले. चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं. ये देखिए मैं आपको अपना केमिस्ट्री टू लेटर ओपन करके दिखा रहा हूँ. सॉरी मेरा पीसी बहुत पुराना है और ग्राफिक्स कार्ड और रैम बहुत कम है इसलिए लैग होता है. देखिए एरर आ रहा है, मैं इसको यस करता हूँ तो सेकंड एरर, यस करूँगा थर्ड एरर, फोर्थ एरर, फिफ्थ एरर, देन मैं अभी इसको यहाँ से नो करता हूँ. अब मैं आपको अपना फर्स्ट ऑप्शन बताता हूँ. यहाँ से सबसे पहले आप अपना TSRE फाइल ओपन कर लीजिए. तो चलिए मैं अपना TSRE फाइल ओपन करके दिखाता हूँ आप सबको. ये देखिए ये रहा हमारा TSRE फाइल का फोल्डर और ये रहा हमारा कंसिस्ट एडिटर. तो हम कंसिस्ट एडिटर ओपन करते हैं. अभी यहाँ से मैं अपना MSS लोड करता हूँ. फिर मेरे पीसी में TSRE फाइल बहुत लैग होता है सो उसमें थोड़ा टाइम लगता है लोड होने में. ये देखिए हमारा TSRE फाइल ओपन हो चुका है. थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, लैग हो रहा है. ये देखिए हमारा TSRE ओपन हो गया. सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए शो में कंसिस्ट है और नीचे फिल्टर्स में ब्रोकन सेलेक्ट करना है ताकि ब्रोकन कैसे डिलीट कर. ये सारे हमारे ब्रोकन कंसिस्ट है इसके वजह से हमारा खुलता नहीं है MS2 तो इसलिए हम इसको डिलीट करके खोल के देखते हैं. डिलीट करके याद रखिए यहाँ पे ब्रोकन ही सिलेक्ट करना है. तो चलिए सर फ्रेंड्स हम इसे डिलीट करते हैं. ये देखिए फ्रेंड्स मैं ये सब एक एक करके डिलीट कर रहा हूँ. ये ऐसे आपके पास जितने भी रहेंगे ब्रोकन सारे डिलीट करना पड़ेंगे आपको. मेरे पास इतना ज़्यादा नहीं है बिकॉज मैं एक्टिविटीज में कब से ज़्यादा डालता नहीं हूँ. पर आप लोग को कोई एरर आ रहा है तो आप चेक कीजिएगा. कल ब्रोकन कब से चक्कर ज़्यादा है तो सारे डिलीट करिएगा और ज़्यादा है तो भी वो एक एक करके ही डिलीट होंगे, एक साथ डिलीट नहीं होंगे. तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लीजिए. तो फ्रेंड्स हमारे कंसिस्ट डिलीट होने वाले हैं, थोड़े से बचे हैं. आपके सामने मैंने अपना वीडियो एक बार भी पोस्ट नहीं किया है तो आप सब देख सकते हो. तो फ्रेंड देखिए यहाँ से सब डिलीट हो गए है. अभी मैं अपना TSRE फाइल मिनिमाइज करता हूँ. एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं कंप्यूटर को और फिर ओपन करके दिखाता हूँ केमिस्ट्री टूल एडिटर. देखिए फ्रेंड्स हमारा टूल एडिटर ओपन हो चुका है. जी फ्रेंड्स मैं आपको वापस से ब्रोकन कंसिस्ट डाल के दिखाऊंगा अपने MSTSE फोल्डर के कंसिस्ट फोल्डर में और वहां से मैं आपको सेकंड अपना वो भी दिखाऊंगा मेथड. पहले हम TSRE फाइल को बंद कर देते हैं यहां से. अभी मैं आपको सेकंड मेथड दिखाता हूँ. यहाँ पे मैं अपने ब्रोकन कंसिस्ट सॉकेट डालूंगा MSTSE कंसिस्ट फोल्डर में. मैंने सारे ब्रोकन कंसिस्ट डाल दिए हैं.
देखिए फ्रेंड्स, बबन के कंसिस्ट यहाँ पे डल चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एक बार वापस हमारा एमएसटीएस टूल एडिटर ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, वापस एरर आने लग गया है हमारे एमएसटीएस टूल एडिटर में। यस करता हूँ तो वो एरर आएगा। सो मैं अभी इसको नो करके आपको सेकंड मेथड दिखाता हूँ। सेकेंड मेथड है हमारे ब्रोकन कंसिस्ट है, जो आपके एक्टिविटी के जितने भी कंसिस्ट है वो सारे कंसिस्ट को यहाँ पे पेस्ट करके डिलीट कर दीजिए। ये देखिए मैंने ये डाले थे, मैंने ये यहाँ से रिप्लेस करके इनको डिलीट कर दूंगा। ये हमारे सारे कंसिस्ट पेस्ट हो गए, यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये हमारे ब्रोकन कंसिस्ट डिलीट हो गए। देन मैं अभी आपको वापस हमारा एमएसटीएस टूल एडिटर ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, हमारा एमएसटीएस टूल एडिटर ओपन हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।